Chermunelas, yeah. And somehow I had one of my brothers. Yeah. Strong, yeah. मोहम्मद यूसुफ मुरान एक आर्टिस्ट है। इनके बनाए हुए नमूने रियासी और गैर रियासी सतह पर मशहूर है, लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि ये बचपन से ही बोलने और सुनने की सलाहियत से कासर। 15वीं सदी में जैनुल आबदीन की हुकुमरानी के दौर में शेख हमजा मखदूम के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो वादी की माशियत को फरोग देने के लिए अखरोट की लकड़ी के नक्श निगार कश्मीर लाए थे। इब्तदाई तौर पर आर्ट सिर्फ आरायशी किलों और घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी पर नक्काशी करने का फन इन्होंने अपने वालिद से बचपन में ही सीख लिया था। इनका पूरा खानदान इसी काम के साथ मुंसलिक है और इनका अपना एक बड़ा कारखाना नरवरा ईदगाह में है। इनका अपना एक शोरूम भी है जहाँ से इनकी बनाई हुई चीजें बैरूनी ममालिक में फरोख्त की जाती है। कश्मीर दुनिया की बेहतरीन अखरोट की लकड़ी का घर है। लकड़ी की नक्काशी मुख्तलिफ मंसूआत पर की जाती है। इस फन को जिंदा रखने में कश्मीर के लोगों, खास तौर से कश्मीर के कारीगरों का एक बड़ा किरदार रहा है। मोहम्मद यूसुफ की बनाई हुई चीजें या तो बैरूनी ममालिक में फरोख्त होती है या तो यहाँ के लोग उन्हें खरीदते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी इस फन पर वक्फ कर दी। इनकी ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है। मैं सदफ शबीर फहीमतु के साथ डेली रोशनी।